हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। और जैसे कि आज आप देख रहे हैं, हरा भरा व्लॉग स्टार्ट हुआ है। और इस हरे भरे व्लॉग के पीछे का रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। मम्मी जी लेके आए थे अरबी के पत्ते, तो उनसे मैंने सोचा चलो यार, जाने से पहले पहले पत्तियोड़ बना देती हूँ। जाने से पहले पहले मतलब वो भी आपको आगे आगे पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने कहा चलो यार पत्तियोड़ बना ही देती हूँ जब इन्होंने बोला है, तो क्योंकि पत्तियोड़ मुझे भी बहुत पसंद है, इन्हें तो पसंद है ही, मतलब खा लेते हैं सब लोग। और मुझे अरबी भी अच्छी लगती है, इसके पत्तों के कफली भी अच्छी लगती है और पत्तियोड़ भी अच्छे लगते हैं। तो पत्तियोड़ मीन्स बेसन लगा करके पकौड़ा टाइप बनता है, पर हम लोग उसको पत्तियोड़ कहते हैं और काफ़ी लोग भी कहते होंगे, अलग अलग नाम भी होते होंगे, अब मुझे नहीं पता अलग अलग, तो बस पत्तियोड़ ही पता है मुझे। तो यहाँ पर हम लोग इसको धो रहे हैं पत्तों को पहले, क्योंकि ये बाहर से आए हैं पत्ते, तो धोना ही बेटर है। हाँ, किसी भी चीज़ को आप धोकर ही यूज़ करिए, और वैसे भी जो भी चीज़ आ रही है पहले बोल ले। तो बस, तो हेलो गाइस नहीं बोलना, हेलो एवरीवन बोलना है, क्योंकि आज तो मम्मी खाने के पत्ते बना रही है। तो खाने का पत्ता बहुत अच्छा लगता है हमें, तो मम्मी ने सूप बना ली थी हमारे लिए, सूप, और हमने सूप कब से पी लिया। अच्छा, अब मेरे को बोलने दो, चुप रहो 2 मिनट, ठीक है? तो यहाँ पर मैं, हमने सारे पत्ते अरबी के धो लिए हैं। तो हमने 7 से 8 पत्ते अरबी के लिए थे, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाने थे पत्तियोड़। तो सबसे पहले हमने निकाली हरी मिर्चें, क्योंकि चरचरा बरबरा जब तक ना बने तब तक टेस्ट आता नहीं है। तो इसीलिए हमने बेसन का डब्बा निकाल लिया है, खाली डब्बा निकाल लिया जिसमें हम घोल बनाएंगे बेसन का, और हरी मिर्चें निकाल लिए। तो प्याज भी डालेंगे हम उसमें, इसलिए प्याज वगैरह अभी हम निकालेंगे, और उसको चॉपर में चॉप करके मिर्च को और प्याज को, तब जाके हम बेसन में घोलेंगे। तो चॉपर मैंने निकाल लिया, उसमें 6-7 मिर्च डाल लिए हरी, और 2-3 प्याज काट के डाल लिए हैं। मिर्च ज़्यादा अगर तेज़ होती तो मुश्किल हो जाता खाना, पर ज़्यादा तेज़ मिर्चें नहीं लग रही हैं, इसलिए क्योंकि मिर्चों को ना देख के पता चल जाता है। अगर देख के भी ना पता चले तो उसको थोड़ा सा तोड़ो और सूंघ के देख लो, अगर तो नाक में भन्ना जाए तो मतलब तेज़ है, अगर कुछ फ़र्क ना पड़े तो मतलब फीकी है। तो यहाँ पर इसको मैं चॉप कर लूँगी बारीक, और फिर जाके बेसन में डालूँगी। तो कोई कोई तो मतलब चरचरा बरबरा बनाता है ना, बिना चरचरे बरबरे के अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो कोई कोई तो इसको ठुंगार की तरह खाता है, दाल भात के साथ खा लो जैसे, कितना अच्छा लगता है, और दाल रोटी के साथ खा लो। कोई कोई इसको एज अ पकौड़ा भी खाता है, मतलब अलग अलग तरीका है सबका खाने का। तो यहाँ पर मेरा जो प्याज और हरी मिर्च है वो अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, मतलब चॉप हो चुका है, और धर्मोड़ा आंटी जी भी मेरे साथ खड़ी हुई हैं, क्योंकि सबके बनाने का अलग अलग तरीका होता है। कोई कोई क्या करता है, काट के ना बारीक बारीक बेसन में घोल करके फिर उसको बॉईल करता है। तो मैं ऐसे नहीं बनाऊँगी, मैं पत्तों में ही बेसन को लगा करके उस तरीके से बनाऊँगी, क्योंकि वैसे ही मैंने मम्मी को भी बनाते हुए देखा है, तो ऐसे ही मुझे पसंद भी है। तो यहाँ पर मैंने बिना मतलब अंदाजे से ही डाल लिया बेसन, भाई पूरा हो जाएगा तो ठीक करना और घोल लेंगे, पर ऐसा होता है ना, आपका काम करते करते आपको अंदाज़ा भी अच्छे से आ जाता है कि हाँ भाई कितना लगने वाला है। तो बिल्कुल परफेक्ट बेसन हमने डाला था। तो यहाँ पर मैं और सामान निकाल रही थी, जैसे अजवाइन वगैरह डालने के लिए निकाल रही थी, और आंटी उसको साथ साथ में मिक्स कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने डाली है अजवाइन, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर वगैरह नहीं डाला है, क्योंकि धनिया पाउडर की जो चीज़ होती है ना वो जल्दी ख़राब होने का डर रहता है इसीलिए। और जो ये पत्तियोड़ होते हैं वो 2 से 3 दिन तो आराम से चलते हैं, वो डिपेंड करता है आप कितने बनाते हो और कितने आप एक दिन में खा सकते हो, और ये ख़राब भी नहीं होते हैं जल्दी, मतलब प्याज वाले तो जल्दी हो जाते हैं, पर आपको ज़्यादा ही दिन स्टोर करना है तो बिना प्याज के भी आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर लम्स ना पड़े इसलिए आंटी उसको अच्छे से चम्मच से ऐसे ऐसे पीस रही हैं। तो यहाँ पर एक पत्ता हमने इसके भी नीचे बिछा रखा था, और एक उल्टा पत्ता रख लिया है, और उसमें ब्रश की हेल्प से मसाला सारा जो बेसन हमने घोला है, नमक हल्दी वगैरह डाला है, प्याज का पेस्ट डाला है, वो सब अच्छे से घोल लिया है, और फिर उसके बाद ब्रश की हेल्प से मैं पत्ते पे लगा रही हूँ। तो यहाँ पर आप हाथ से भी लगा सकते हैं, आंटी जी तो बोल रहे थे हाथ से ही लगा, पर ना पता क्या हुआ, पिछली बार जब मैंने बनाया था ना पत्तियोड़, उसमें मिर्च जो बहुत तेज हो गई थी, और हाथ से जब मैं लगाया मेरे हाथ में ना झंझनाहट सी हो गई थी। मुझे बहुत डर लगता है हरी मिर्च से, और पीसी हुई हरी मिर्च में तो कभी हाथ ना डालूँ, इसीलिए मैंने ब्रश से ही लगाया, चाहे कितनी भी देर लग जाए। तो आंटी कह रही थी यार हाथ से लगाते हैं, मैंने कहा ना भाई आंटी ब्रश से ही ठीक है। तो यहाँ पर अभी आंटी लगा रहे थे, और मैं ऊपर से ऐसे ऐसे बेसन करके छिड़क रही थी,
तो प्रॉपर बेसन लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं कम कहीं ज़्यादा, क्योंकि टेस्ट फिर बढ़िया नहीं आता है। और उसके ऊपर ऐसे सीधा करके पत्ता रखना है, फिर उसके ऊपर भी एक बार पूरा का पूरे पे मसाले लगाने हैं। तो बड़े बड़े पत्ते ना थोड़े कड़कड़े से होते हैं, तो जितना अच्छा उतना अच्छा हो कि थोड़े कम छोटे पत्ते हों। तो बड़े बड़े भी मम्मी जी ला रखे थे, मोस्टली बड़े ही थे, छोटे तो दो चार ही थे, तो हमने बड़े में ही बना लिए, क्योंकि जब सीटी मरवानी है तो थोड़ा मतलब लग जाती है, पर ईजी छोटे में ही होता है। पर बड़े का एक फ़ायदा भी होता है कि उससे ज़्यादा 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 पत्तियों बनते हैं। तो यहाँ पर आंटी मुझे सिखा रही है कि एक तरफ से फिर ऐसे फोल्ड करना है, फिर उसके ऊपर पूरी एक परत बनानी है बेसन की, ताकि वो जो दूसरी हम फोल्ड करेंगे ना साइड, वो अच्छे से चिपक जाए उस पर और टेस्ट भी बहुत अच्छा आए। और यहाँ से भी एक और फोल्ड हमने कर दिया है, उस पर भी हम पूरी परत बेसन की लगा देंगे अच्छी तरीके से। और फिर हमने उसको ऊपर से लेके आना है, ऐसे गोल 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 करते हुए टाइटली लाना है और नीचे तक। तो ऊपर से नीचे लाने में बंद करना है और लास्ट में भी बेसन का घोल लगा देना है, ताकि वो खुले ना, और जिस साइड से वो खुलता है ना दबा करके रख देना। जैसे कि मैंने दो रेडी कर लिए हैं और वो मैंने ऐसे ही रखे हैं कि वो खुले ना, और उनको मैं ऐसे ही उठा के फिर जब मैं बॉईल करने रखूँगी ना तब रख दूँगी, ताकि वो खुल ना पाए, और खुलेंगे भी तो बाद में ही खुलते रहें, पर अभी खुल ना खुले। तो यहाँ पर दो से तीन पत्तियों में रख दिए हैं, बाकी मेरे पास ना सिंगल सिंगल पत्ते रह गए थे, तो मैंने सोचा चलो यार सिंगल सिंगल का ही बना लेती हूँ, बाकी जितने बन रहे हैं उतने बन रहे हैं। तो सारे मैंने रेडी कर लिए थे, चार से पांच वो गोल गोल पत्तियों बन गए थे। और यहाँ मैंने डाली एक गिलास पानी बड़े कुकर में, क्योंकि छोटे कुकर में स्टैंड आ नहीं रहा था। और वैसे तो आंटी जी ने कहा था कि मक्की के पत्ते होते हैं ना वो नीचे रख के उसमें पानी डाल के फिर ऊपर एक गागले का पत्ता रखना है और उसके ऊपर ये रखने हैं, तब जाके बॉयल हो जाएंगे। पर मेरे पास स्टैंड था इसलिए मैंने कुछ पत्ते वत्ते नहीं रखे हैं इसमें, ईजीली ऐसे ही फिट करके ना स्टैंड ऊपर, तो नीचे पानी है ऊपर स्टैंड है उसके ऊपर ये है, तो इस पर मैं बंद करके दो सीटी लगवा लूँगी, दो सीटी में आराम से हो जाएंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, एक गिलास बहुत है पानी इसमें, ताकि इसमें टच ना हो। दो मैंने इसमें लगवा ली है पत्तियों में, अब देखते हैं कितने हो गए हैं ये। ये पूरे हो गए हैं, तो इसको मैं ठंडा होने के बाद निकालूंगी, थोड़ा ठंडा धुआं जम गया फोन से, थोड़ा ठंडा होने के बाद ही निकालूंगी, थोड़ा सा ठंडा हो जाए आधा घंटा छोड़ देती हूँ मैं इसको ऐसे ही, फिर छौकूंगी। तो आप इस आप इसको सरसों में राई में और जखिया जीरा इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पर मैंने पैन चढ़ा दिया तड़का लगाने के लिए, तो तड़के में आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, बारीक बारीक प्याज काट के भी डाल सकते हैं, और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, हींग तो डालना ही डालना है। तो मैंने यहाँ पर दूसरी कढ़ाई में सुबह मैंने पूरियाँ बनाई थी, बेड़ी पूरी होती है ना वो, तो उसी का तेल थोड़ा बचा हुआ था वो इसमें डाली है, क्योंकि भाई एक बार पका हुआ तेल मैं दोबारा यूज़ करूँगी, क्योंकि वेस्ट तो करना नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें तड़का लगा लिया था। और यहाँ पर मैं डालूँगी जीरा जखिया थोड़ी सी सरसों, तो ये तीनों चीज़ें मैं तड़के के टाइम पे डालूंगी। मैं लहसुन प्याज का पेस्ट या फिर अलग से मतलब अदरक कूट के नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ इतने में ही लगाऊंगी, क्योंकि ये एज अ ठुंगार खाने हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि सब्जी बना के खानी है। तो यहाँ पर मैंने हींग भी निकाल ली है, तो मैंने भी यहाँ पर हींग निकाल ली है। और यहाँ पर तेल गर्म होने के बाद मैंने डाल दिए थे जीरा जखिया हींग और अजवाइन, तो मैंने बेसन में ही घोल दिया था, वो तो आप सबने देखा ही था। और ये मैंने काट दिया है बिल्कुल बारीक बारीक गोल गोल पीस में, तो ये सब अब मैंने उठा उठा के सारे मैं पैन में रख दूँगी। और घी भी डालूंगी, पर बाद में जैसे एक तरफ से थोड़े थोड़े वो हो जाएंगे ना पक से जाएंगे ना, तो फिर उसके ऊपर मैं घी के दो चम्मच डाल दूँगी, तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो एक एक उठा उठा के डालने हैं हमने पैन में, बीच बीच में वो खुलेंगे भी, तो घबराइएगा मत, ये ऐसे ही खुलते हैं किसी किसी के नहीं खुलते हैं, किसी किसी के खुल जाते हैं। तो मैंने क्या करा, लास्ट में एक साथ ही डाल दिए, क्योंकि भाई ये अभी इतना टाइम नहीं था, एक एक करके डालो एक एक करके डालो, तो पूरे मतलब आ ही गए थे, बस एक दो थोड़े एक्स्ट्रा हो गए थे जो पैन में पूरे नहीं आ रहे थे, पर मैंने एक के ऊपर एक चढ़ा के ऐसे रख दिए और ढक के छोड़ के चली गई थी। फिर मैंने दो से तीन मिनट बाद उसको पलट दिया था, स्लो गैस पर ही बनाया है, तेज़ में ये ज़्यादा काले हो जाएंगे।
तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कहाँ की बात करी थी कि मैं चली जाऊँगी। तो ऐसा है कि रक्षाबंधन आ रहा है, आप सभी को पता है, तो रक्षाबंधन की तैयारियाँ भी शुरू करनी ही थी। राखी तो मैं तीज के टाइम पर ही लेके आ गई थी, पर हम लोग प्लान कर रहे थे कि जाएँ कि नहीं जाएँ रक्षाबंधन में, तो हमने सोचा चलो यार चले ही जाते हैं। पास बनवाने की थोड़ी दिक्कत हो गई थी, पर अब पास भी बन चुका है। मतलब डर तो लगता ही है यार, अब इतनी महामारी चल रही है, कहीं आना जाना, पर ऐसा है कि आना जाना तो देखो अब खुल, मतलब सब लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, अब बस इतना है कि सेफ्टी अपने हाथ में है, सेफ्टी रखिए, तो हो सकता है ऐसा कुछ ना हो। तो इसीलिए अब मैं अपनी पैकिंग कर रही थी, तो यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए पैकिंग करना। मैंने मतलब सारा जब से हुआ है तब से दो बैग बना रखे हैं, ये बड़े वाला मेरा बैग है, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो। गर्मियों में तो फिर भी थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि ना गर्मियों के कपड़े पतले पतले होते हैं, हल्के हल्के होते हैं, तो आराम से आ जाते हैं, पर सर्दियों में दिक्कत हो जाती है। सर्दियों में ना एक बैग में मेरे पूरे कपड़े ही नहीं आते थे, तो इसलिए मैंने सारांश का हमेशा से अलग ही बैग रखा है। तो अपना मैंने बैग कर लिया था पैक आराम से, और यहाँ पर मैं सारांश का बैग पैक कर रही हूँ। तो सारांश के भी ऐसे ही हैं, सर्दियों के तो बहुत मुश्किल से आते थे, गर्मियों के तो अपना आराम से आ जाते हैं, और बच्चों के तो थोड़े ज़्यादा रखने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों का कुछ पता नहीं है कब उन्हें गर्मी लग जाए, कब उन्हें ठंड लगने लग जाती है, कब वो भीग जाते हैं। फिर मतलब एक दिन में आप 2 से 3 जोड़े तो उनके रख मान के चलो कि वो गंदे करेंगे या फिर भिगा लेंगे या कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं कुर्ता पजामा वगैरह भी पहनाने की सोच रही थी, पर उसने पहना नहीं, क्योंकि जब रुद्र पाठ हो रहा था ना तो उस टाइम पे भी उसने बड़े ड्रामे किए, 1 घंटा भी पूरा नहीं पहना, कह रहा मम्मा मुझे चुभ रहा है चुभ रहा है। तो होता भी है, बच्चे को जब आदत नहीं होती है ना ऐसे एथनिक वियर पहनने की, कोई किसी को घुटन हो जाती है, किसी को चुभने लग जाते हैं, तो वो टी शर्ट और निकर में ही कम्फर्टेबल होते हैं। तो इसलिए मैंने ज़बरदस्ती भी नहीं करी, बस रक्षाबंधन के दिन पहनाऊँगी थोड़ा, मतलब अच्छे उसका रखा हुआ है एक शेरवानी, तो वो पहनाऊंगी उस दिन, क्योंकि भाई रखे रखे फिर कपड़े भी छोटे हो जाते हैं, फ़ायदा कुछ होता नहीं है फिर महंगे महंगे कपड़े लेकर के। तो वो तो उसके मुंडन के टाइम का है, तो मैंने सोचा चलो यार एक बार पहना लेती हूँ। तो यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश है आज कि भाई मुझे नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है। तो आने जाने में भाई डर तो है ही, पर क्या करें भाई, रीति रिवाज जो हमारा रक्षाबंधन है वो भी मनाना ही है, उसको भी ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसीलिए जा रहे हैं और होम क्वारंटाइन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वैसे भी बाहर निकलने का कोई मतलब है नहीं आजकल। तो ठीक है फिर गाइज मैं चलती हूँ, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएँ। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।